क्लास 9 और वीडियो नंबर 3। कवायद में जो पहला स्टेप था वो इसमें था, दूसरा जमीन था, अब आता है सिर्फ। सिर्फ वो अल्फाज या परिमाण जो किसी किसी या जमीन के अच्छाई और बुराई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता हो उसे हम सिफ्त कहते हैं। सिफ्त वो अल्फाज जो इस्म और जमीर की अच्छाई और बुराई को इजहार करने के लिए यानी बताने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं। जो सिफ्त वो अल्फाज जो इसकी अच्छाई और बुराई को इजहार करता हो, बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर सिफ्त जैसे काली चौकी, खूबसूरत बच्चा, कच्चा आम, मोटा आदमी वगैरह। अब इन अल्फाजों को सिफ्त के जो भी है इनको हम जुमले में इस्तेमाल कर देंगे। जुमला नंबर 1, आदमी के सर पर काली टोपी है। अब इस जुमले में हमें ये पता करना है कि आदमी की टोपी क्या है, आदमी की अच्छाई क्या है या आदमी की कौन सी बुराई है। अब ये जो अपना जुमला है इस जुमले में सिर्फ हमें ये
करें, जो हमारी शिफ्ट है, शिफ्ट 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 का काम ये होता है, जो शिफ्ट है चार्ज में इसमें हो चेस्ट में चली हो वो उसकी अच्छाई और बुराई बता देगी, इजहार करेगी मतलब बताएगी, ये इसका काम है। शिफ्ट का काम चलिए अच्छा बुराई को इजहार करना। अब माजी